आज ही के दिन यानी 7 जून 1967 ईस्वी में इसराइली फौज यरूशलम में दाखिल हुई। 6 डे वार जो कि 5 जून की शुरू हो चुकी थी और 9 जून तक इसराइल ये जंग जीत चुका था, लेकिन 7 जून को इसराइल ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन 1942 ईस्वी में मम्मर कजाफी की पैदाइश हुई। मम्मर कजाफी जो 1970 से लेकर 1972 तक लीबिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 1972 से लेकर 20 अक्टूबर 2011 यानी मरने तक इनके पास कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं था, लेकिन असलन लीबिया के सबसे बड़े रहनुमा मम्मर कजाफी ही थे जिनको हुकूमत में सबसे ज़्यादा अमल दखल हासिल था। मम्मर कजाफी अफ्रीकी इत्तेहाद बनाने के बहुत बड़े हामी थे जो कि बाद में बन भी गया। 2011 ईस्वी में नीटो और कबाइल बागियों ने मम्मर कजाफी पर हमला करके इसे शहीद कर दिया। आज ही के दिन 1992 ईस्वी में सैयद ताहिर अलाउद्दीन कादरी का इंतकाल हुआ। आप कादरी सिलसिला के बहुत बड़े रूहानी पेशवा थे। आप 1937 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए, लेकिन 1956 ईस्वी में बगदाद छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर यहीं आबाद हो गए। सैयद ताहिर अलाउद्दीन कादरी का नसब हज़रत शेख अब्दुल कादर जेलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलता है। इसके अलावा आप तहरीक मनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुर्शद भी हैं, इसीलिए सैयद ताहिर अलाउद्दीन कादरी तहरीक मनहाजुल कुरान के रूहानी सरपरस्ते आला भी रहे हैं। वफात के बाद आपको मनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के करीब ही दफन किया गया।